morning, students. As you all know that I have told in the previous lecture, chapter number 2, we are not afraid to die. In this chapter, I have told you about the author. Actually, he was making a plan to move around the world. And he did it with the help of a wave walker, with the help of a god named Wave Walker. Now, actually, when he reached South Africa and sailed towards the Cape Town, it was 25th of December and he was celebrating Christmas Day with his family member. And when he was celebrating Christmas Day, what happened? Next, we are going to study. We are going to see what happened next. As he was crossing the Cape Town. Now see, at dawn on January 2, the waves were gigantic. It was January 2 and the waves were very big. जो लहरें जो समुद्र में चल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी लहरें समुद्र में उठ रही थी. एंड इट वॉज अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह का वक्त था, लहरें काफी तेजी से उठ रही थी समुद्र में. वी वर सेलिंग विद ओनली अ स्मॉल स्टॉप जी एंड वर स्टिल मेकिंग 8 नॉट्स. इनका जो स्टॉप जो जीप था, जिसको वाटर में थ्रो करके बोट की स्पीड को कम किया जाता है, उसी को स्टॉर्म जिप कहा जाता है. तो वो जो स्टॉर्म जिप था काफी स्मॉल था. और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉट? नॉट यहाँ पर एक्चुअली जिस तरीके से हम डिस्टेंस को किलोमीटर में कवर करते हैं, उसी तरीके से जब हम वॉयज करते हैं, वॉयज भी होता है समुद्री यात्रा, जब हम वॉयज करते हैं, समुद्री यात्रा करते हैं, तो वहाँ पर जो डिस्टेंस को एक मेजरमेंट होता है, नापने का जो एक मेथड होता है, उसको नॉट कहते हैं. वन नॉट इज कॉल्ड 50 किलोमीटर होता है. तो वो लोग अभी 80 नॉट कैप्टन से 8 नॉट आगे ही क्या नाम है बढ़े थे, वेरी बिग वेव्स. एज द शिप रोज टू द टॉप ऑफ दीज वेव्स, we could see endless enormous seas rolling towards us, and the screaming of the wind and spray was painful to the ears. और जो वे जो ship जो ship थी उसका नाम wave walker था. वो जब लहरों पर जो waves पर जब चलती थी तो ऐसा लगता था कि it's going to sink, डूबने वाली है. और जो समुद्र था, जो सी था, enormous, endless enormous, मतलब इतना बड़ा था कि वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा था कि ये समुद्र खत्म होने वाला है. कहीं पर भी कोई स्पॉट नजर नहीं आ रहा था, कोई आइलैंड नजर नहीं आ रहा था कि वहां पर वो स्टे कर सके, रुक सके. एंडलेस लग रहा था. और जो हवाएं जो चल रही थी समुद्र में, जो हवाएं चल रही थी, जो लहरें टकरा रही थी उसके बोट से, पेनफुल टू द ईयर्स, कानों को बहुत ही वियर्ड फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील नहीं कर रहा था राइडर. तो स्लो द बोट डाउन, वी ड्रॉप द स्टर्न जिब एंड लैश अ हैवी मूविंग रोप इन अ लूप अक्रॉस द स्टर्न. और जैसे कि नहीं होता है, क्या होता है स्टर्न जिब, स्पीड को कम करने कम किया था स्टॉर्म जिप को पानी में देखकर. तो क्या हुआ कि जब उन्होंने जब वो लहरों को, जब वो वेव्स को देख रहे हैं, काफी ज्यादा वेव्स उठ रही हैं समुद्र में, तो उसने स्टॉर्म जिप को राइटर ने पानी में फेंक दिया ताकि उसकी स्पीड को कम किया जाए. और हुआ भी, और उसने सारी चीजों को क्या कर दिया, डबल लैश कर दिया,
दोबारा से हर एक चीज को उसमें बांध दिया ताकि हर एक चीज अंडर कंट्रोल रह सके. देन वी डबल लैश एवरीथिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेंट थ्रू ऑल आवर लाइफ ड्रेस, अटैच लाइफ लाइन्स, डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट एंड वेटेड. पूरी प्रिपरेशन स्टार्ट उसने कर दी, उसने ऑयल स्किन्स भी लगा लिए, अपने ऊपर स्मियर कर लिया, लाइफ जैकेट भी पहन लिया, और ही वॉज रेडी टू फेस द वर्स्ट. The first indication of impending disaster came at about 6 p.m. with an ominous silence. Impending disaster, जैसे कि उसने पहले से अनुमान लगा लिया था, गेस कर लिया था कि ये जो डिजास्टर है जो होने वाला है वो 6 p.m. शाम में came at about 6 p.m. शाम में आया. As he was predicted, the first disaster came at 6 p.m. in the evening. शाम में 6 बजे वो डिजास्टर को उसने फील किया और बहुत ही साइलेंस के साथ. जैसे कि आप लोग देखते हैं कि जब बारिश होने वाली होती है तो उसके पहले हर एक चीज एकदम साइलेंट हो जाती है, फिर हवाएं चलना स्टार्ट होती है. इन द सेम वे एवरीथिंग वॉज इन ए साइलेंट मोड, और क्या नाम है, समुद्र में सब कुछ साइलेंट मोड पे था. कुछ भी क्या नाम है इंडिकेशंस कुछ भी सब फील नहीं हो रहा था कि कुछ होने वाला है. और यही जब समुद्र साइलेंट होता है, स्टिल होता है, तो वहीं से ही क्या नाम है डिजास्टर्स क्रिएट होते हैं, पैदा होते हैं, और उसे फील हो गया था क्योंकि उसने 15 साल का एक्सपीरियंस लिया था, प्रैक्टिस की थी समुद्र में, तो उसे फील हो गया था कि समथिंग वेरी बैड गोइंग टू हैपन, समथिंग वेरी बैड इज गोइंग टू हैपन. द विंड ड्रॉप एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क, देन केम अ गोइंग रोर एंड एन एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड ऑफ द शिप. हवाएं बंद हो गई और अचानक आसमान जो है काला हो गया, आसमान काला हो गया. उसके बाद तेजी से दहाड़े, जो लहरें थी दहाड़े मारना शुरू कर दी, एंड एनॉर्मस क्लाउड टॉवर्ड ऑफ द शिप, और एक बहुत बड़ा क्या नाम है एक क्लाउड टॉवर्ड हो गया, यानी खड़ा हो गया एट द बैक ऑफ द शिप, शिप के पीछे. विद हॉरर आई रियलाइज दैट इट वॉज नॉट अ क्लाउड बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैड एवर सीन. और बहुत ही जल्द उसे महसूस हुआ कि ये कोई क्लाउड नहीं है बल्कि ये एक वेव है, एक लहर है जो उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था. इतनी बड़ी लहर, इतनी बड़ी वेव उसने कभी देखा ही नहीं. डर गया. The roar increased to a thunder as the storm moved up the face of the wave, and for a moment I thought we might ride over it. और जो तो वो जो वेव थी उसने दहाड़ भर के लिया, रोरिंग होने लगी. As the storm moved up the face of the wave. अब वो at the back side of the ship. शिप के जो बैक साइड में जो इतनी बड़ी वेव जो टावर कर ली थी, जो पूरे शिप को क्या नाम है घेर ली थी, दहाड़े मारने लगी, आवाज करने लगी. पल भर के लिए हम लोग को मुझे ऐसा लगा कि ये जो वेव है हमारे ऊपर चढ़ जाएगी, हमें डुबो देगी. बट देन अ ट्रेमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक. तभी एक जोर का धमाका होता है डेक पर, विस्फोट होता है, और वो विस्फोट कुछ और नहीं बल्कि उस वेव के अंदर जो पानी थे, जो पानी भरे हुए थे, वही विस्फोट डेक पर होता है. अ टॉरेंट ऑफ ग्रीन एंड वाइट वाटर बोर्ड ओवर द शिप. और इसके बाद ग्रीन और वाइट कलर के जो वाटर थे उनकी बौछार होना शुरू हो जाती है शिप पर, उनकी बौछार होना स्टार्ट हो जाती है, शिप पर गिरने लगते हैं.
My head is smashed into the wave and I was aware of flying overboard and sinking below the waves. मेरा सर व्हील से आकर टकराया और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोट से, जहाज से मैं उछल रहा हूँ, मुझे कुछ ही उछाल रही है। उछालने के बाद क्या हुआ, ये वो पानी के अंदर गिरा है तो वह लहरों के साथ साथ क्या हो रहा था, सिंक हो रहा था, डूब रहा था। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोचिंग डेथ, उससे मालूम हो गया कि मेरा अपनी मौत, मेरी जो डेथ है बहुत ही करीब है, एंड आई एम गोइंग टू डाई, वो मरने वाला है। एंड एज आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, जब वो अपना होश खो रहा था, आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, ही वॉज फीलिंग गुड, वो अच्छा महसूस कर रहा था। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर अ फ्यू मीटर्स अवे, वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग। तभी अचानक मेरा सर पानी से बाहर निकलता है, यानी कि मैं पानी से बाहर अपने सर को निकालता हूँ और थोड़ी ही दूर पर मैंने क्या देखा, जो वेव वॉकर है वो पलट रही थी, कैप्साइज हो रही थी, डूब रही थी। हर मास्ट ऑलमोस्ट हॉरिजेंटल, जो इस तरह से मास्ट होता है, मास्ट इस तरह से होता है, अगर आप अभी शिप देखोगे तो वो क्या हो रहा था, हॉरिजेंटल हो रहा था। इस तरह से क्या नाम है वो, हॉरिजेंटल होने का मतलब ये हो गया कि वो द शिप वॉज गोइंग टू सिंक, जो शिप है वो डूबने वाली है। देन अ वेव हर्ड हर अपराइट, माई लाइफ लाइन जर्क टॉट, आई ग्रैब द गॉर्ड रेल्स एंड सेल थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर्स मेन रूम। तभी एक लहर ने उसे क्या किया, हर्ड अप कर दिया, उसे सीधा कर दिया और उस लहर से क्या हो, सीधी हो गई। और जो मैंने लाइफ लाइन जैकेट जो मैंने पहनी हुई थी वो काफ़ी ज़्यादा मुझे सफोकेशन फील हो रही थी, बिकॉज इट वॉज वेरी टाइट, बहुत ही टाइट था वो। किसी तरीके से जो गार्ड रेल्स थे, जो शिप होती है, शिप के अगल बगल जो रोप होती है, जो रस्सियाँ होती हैं जो पानी के अंदर डूबी रहती हैं, उन्हीं के विद द हेल्प ऑफ दोज रोप्स वो सेल करना शुरू कर दिया, वो सिंक करना शुरू कर दिया। और सेल करके वो क्या हुआ, उछल कर वेव वॉकर के मेन रूम, मेन केबिन में पहुंच गया। सबसिक्वेंट वेव्स टॉस्ड मी अराउंड द डेक लाइक अ रैग डॉल, और आती जाती लहरों ने उसे इस तरह से उसको उछाल रही थी जैसे कोई फटी हुई डाल हो और उसको कोई फेंक रहा हो, उछाल रहा हो। उसी तरीके से जो लहरें थी वो राइडर को उछाल रही थी, टॉस कर रही थी। आप सोच सकते हैं कि कितना हॉरिबल सीन होगा। माई लेफ्ट रिब्स क्रैक, माई माउथ फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, समहाउ आई फाइंड द वेव लाइन अप द स्टर्स फॉर द नेक्स्ट वेव एंड कम ऑन। उसकी जो रिब थी, हड्डियाँ थी वो क्रैक हो गई थी, टूट गई थी, उसके मुंह में खून आ गया था, कुछ दांत उसके टूट गए थे। इसी तरीके से वो व्हील के पास पहुंचा और उसे स्टर्न को सीधा किया और अगले वेव के आने का इंतजार किया। Water, water everywhere. I could feel that the ship had water below, but I dared not abandon the wheel to investigate. मुझे पता था कि हर जगह पानी, हर जगह there was water everywhere. लेकिन मेरी हिम्मत नहीं रही थी कि मैं इस व्हील को छोड़कर जाकर इन्वेस्टिगेट कर सकूं कि कहां कहां पर पानी आ रहा है। The front hatch was thrown open and Mary appeared. तभी एक हैच होता है, एक्चुअली आप जब देखेंगे बोट पर जो नीचे का जो पार्ट होता है, जब उस नीचे के पार्ट को जब कोई ऊपर आता है तो एक लिड लगा होता है, ढक्कन लगा होता है, उस ढक्कन को निकाल कर कोई बाहर आता है उसी को हैच कहते हैं। तो क्या हुआ, जब वो नीचे के लोअर पार्ट से जब वो अपर पार्ट की तरफ आ रही थी तो उसने क्या किया, मैंने आपको बताया था, मेरी वॉज द वाइफ ऑफ द राइटर, मेरी वाइफ राइटर की वाइफ थी वो। उसने देखा अचानक मैरी मेरी तरफ आ रही थी, क्यों आ रही है, उसने क्या कहा, वी आर सिंकिंग। मैरी जब नीचे के पार्ट से ऊपर की तरफ आती है, डेक पे आती है अपने हस्बैंड के पास, तो वो कहती है कि वी आर सिंकिंग, वी आर गोइंग टू डाई, हम तो डूबने वाले हैं, हम तो मरने वाले हैं, क्योंकि बिकॉज वाटर इज एवरीवेयर ऑन द बोट। स्क्रीम चीखती चलाते हुए कहती, द डेक्स आर स्मैश, जो हमारे डेक थे वो स्मैश हो चुके हैं, टूट गए हैं, एंड वी आर फुल ऑफ वाटर, हर जगह पानी है।
पानी पानी. टेक द व्हील आई शाउटेड एज आई स्क्रैम्बल्ड फॉर द हैच. उसने मैंने उससे कहा कि यार व्हील को तुम पकड़ो, और वो हैच की तरफ, मैंने बताया था ढक्कन होता है क्लिड होता है, हैच की तरफ स्क्रैम्बल करते हुए इस तरीके से लुढ़कते हुए गिरते हुए वहां पर. लैरी हर वर पंपिंग लाइक मैडमैन. और लैरी और जो हैरी जो फ्यू मैन थे जिसको उसने हायर किया था कैप टाउन से, साउथ अफ्रीका की जो कैप टाउन है जो सिटी है वहाँ से उसने जो फ्यू मैन को हायर किया था, उसने क्या देखा कि वो लोग लोअर पार्ट पर उसका लोअर जो बेड था कांगरू की तरह जो पानी बोट के अंदर आ गया था उसे बाहर निकाल रहे थे, पंपिंग कर रहे थे. Broken timbers hung at three angles. The whole starboard side bulged inwards. Clothes, crockery, charred tins and fires sloshed about in deep water. लकड़ियाँ जो थी वो टूट गई थी और उल्टे सीधे एंगल बनाई गई थी, टूटी हुई थी और इसी पर पड़ी हुई थी, रखी हुई थी. Charred tins and fires sloshed about in deep sorry. The whole starboard. What is the meaning of starboard? Keep in mind. Starboard means होता है the right part, the right side of the board, of the boat. इस तरीके से क्या नाम है आपकी नाव होगी, तो इसका जो right side होता है उसी को starboard कहते हैं, और left side को वही हो. तो the whole starboard side bulged inwards. Bulged inwards का मतलब होता है वो हो गया था. पिचक गया था, दब गया था, प्रेशराइज हो गया था, अंदर की तरफ दब गया था. आप ये कह सकते हैं क्लोथ क्रॉकरी चार्ट्स जो कुछ भी वहां पर रखे हुए थे बोर्ड के अंदर थे, सब के सब पानी के अंदर डूब रहे थे, तैर रहे थे. नाउ ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, कल इसके आगे हम लोग और देखेंगे, स्टडी करेंगे, और एक दो दिन और लगेंगे, ये खत्म हो जाएगा. तब तक के लिए मैं ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच.